हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिटनेस विद निकिता। दोस्तों, आज मैं आपके साथ ऐसी एक्सरसाइज शेयर करने वाली हूँ जिससे करके आप अपने बाजुओं की जो चर्बी है उनको घटा सकते हो, साथ ही साथ इनको मजबूत बना सकते हो। और साथ ही साथ आप क्या कर सकते हो, अपने जो आपके झुके हुए कंधे हैं उनको सही कर सकते हो। आपकी ब्रेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा लटक गई हैं, सैगी हो गई हैं, तो उनको आप लिफ्टअप कर सकते हो। है ना कमाल की बेनिफिट्स। ऐसे ही और बेनिफिट्स जानने के लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए उन सभी लोगों के साथ जो बेनिफिट आप ले रहे हैं, वो और लोग भी, आपके जो रिलेटिव्स हैं, जो फ्रेंड्स हैं, वो भी ले सकें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पास ही में दिख रही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। और अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, तो वहाँ पर मुझे ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आज की जो एक्सरसाइजेज हैं बहुत बहुत ही ईजी हैं। देखिए, हमारी जो ब्रेस्ट होती है उनमें कोई मसल्स नहीं होती, तो हम जब उसके आसपास के एरिए के लिए कोई एक्सरसाइज करते हैं तो वो अपने आप ही लिफ्टअप होने लगती हैं, अपने आप ही शेप में आने लगती हैं। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट आपको क्या करना है, अपने हाथों को इस तरीके से रखना है, अपनी हथेलियों को ऊपर की तरफ करना है, और आपको क्या करना है, सांस भरते हुए हाथ ऊपर, खाली करते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, खाली करते हुए नीचे। आप महसूस करेंगे कि इसमें आपके बाजू, आपके जो कंधे हैं, साथ ही साथ आपके जो ब्रेस्ट के आसपास की मसल्स हैं वो यूज हो रही हैं। तो इस तरीके से सांस भर के खाली करके भरिएगा, सांस को इस तरीके से भरिए और नीचे फिर खाली कर दीजिए। इस तरीके से आपको कम से कम आपको 50 बार करना है, और इसके आपको 3 राउंड्स कंप्लीट करने हैं। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो ये आप दिन भर में कम से कम 100 बार कर लेंगे। दूसरा, आपको अपनी हथेलियों को इस तरीके से सामने की तरफ रखना है और आगे की तरफ लेके जाना है, जितना हो सके उतना पीछे लेके जाइए, आगे पीछे आगे, इस तरीके से 1, 2, 3, 4, इसको भी आपको कम से कम 50 बार करना है और इसके भी आपको 3 राउंड्स कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट देखिए, आपको क्या करना है, अपने हाथों को इस तरीके से रखना है, अपनी हथेलियों का जो फेस है, मुंह है, वो नीचे की तरफ रखना है और अप एंड डाउन इस तरीके से। हाथों को बिल्कुल सीधा रखिए, टाइट रखिए और इस तरीके से फ्लाई कीजिए, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, इस तरीके से करिए। आपकी बाजुओं में देखिए जोर लगेगा, इस तरीके से आप करिए। इससे क्या होगा, आपकी जो बाजुएं हैं ना, उसका फैट तो जाएगा ही जाएगा, साथ ही साथ आपकी जो बाजू हैं उनकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, यानी कि आपकी बाजू मजबूत होंगी। तो इस तरीके से आपको कम से कम इसको 1 मिनट तक करना है और इसके आपको 3 राउंड्स कंप्लीट करने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। इसके लिए आपको अपने हाथों को इस तरीके से रखना है, आप चाहें तो अपने फिंगर्स को इंटरलॉक कर सकते हैं। मैंने अपने हाथों को इस तरीके से रखा है, पीछे की तरफ बिल्कुल खींच देना है, अपने सीने को चढ़ा देना है इस तरीके से, और अपने कोहनियों को मिलाना है और खोलना है। इस तरीके से आपको इसका अभ्यास करना है, ये आपको कम से कम 50 बार करना है और इसके भी आपको 3 राउंड्स कंप्लीट करने हैं। ये आप डेली कीजिए, आप बहुत ही जल्दी अच्छा रिजल्ट देखेंगे। लास्ट एक्सरसाइज क्या करना है, अपने हाथों को इस तरीके से रखना है, सांस भरते हुए इस तरीके से आपको इसका अभ्यास करना है, दोनों साइड से आपको कम से कम 50 बार करना है। आप महसूस कीजिए कि आपकी जो सारी मसल्स हैं, ब्रेस्ट के आसपास की, शोल्डर की, आर्म्स की, सारी मसल्स आपकी एक्टिवेट हो रही हैं। तो इस तरीके से आप इसका अभ्यास कीजिए, राइट लेफ्ट, जैसा कि मैंने कहा 50-50 टाइम्स आपको सारी एक्सरसाइजेस करनी है और 3 राउंड सभी एक्सरसाइजेस की कंप्लीट करने हैं। इनको आपको रेगुलर बेसिस पे करना है, डेली करना है, क्योंकि एक दिन करने से, 5 दिन करने से आपको रिजल्ट नहीं आने वाला। तो इनकी प्रैक्टिस डेली कीजिए, साथ ही साथ अपने खाने पीने का, अपनी नींद का, अच्छे पानी का ध्यान रखिए। अगर आप एक अच्छा रिजल्ट चाहते हैं, एक अच्छी लाइफस्टाइल चाहते हैं, तो इन सभी को बैलेंस करके चलिए। आज की जो वीडियो थी वो मेरी यहीं तक थी। आपको वीडियो कैसी लगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिए, ताकि मुझे पता लग सके कि आपको जो मैंने टॉपिक आपके आगे लेकर आई हूँ, जो वीडियो मैंने आपके लिए लेकर आई हूँ, वो आपको अच्छी लगी है या नहीं लगी है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड सर्कल, जहाँ तक आप शेयर कर सकते हैं ज़रूर कीजिए। मिलती हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक स्टे फिट स्टे हेल्दी, बाय बाय।